I'm pesky. हेलो नमस्कार गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है केडी लाइफ में। चलिए भाई 4 बज गए हैं, मैं आ गई हूँ, आप लोग भी जल्दी से आएंगे। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, आज हम लोग पार्ट टू करने वाले हैं। कल हम लोगों ने पार्ट वन किया था, पार्ट वन के हमने 50 क्वेश्चंस कल कंप्लीट कर लिए थे। आज पार्ट टू है और इसमें हम लोग रिमेनिंग के 50 क्वेश्चंस आज करने वाले हैं, ठीक है। जून मंथ के करंट अफेयर्स हम लोग कवर कर रहे हैं, आप सभी जानते हैं। चलिए भाई जल्दी से आप सब बच्चे आ जाएंगे, सेशन को ज्वाइन करो, सेशन को लाइक करो, सेशन को शेयर करो, ठीक है। जल्दी से आ जाओ, फिर शुरू करते हैं आज का सेशन। और वही रूल्स हैं गेम के, ठीक है। सभी बच्चों को जल्दी जल्दी से आंसर करना है और सही आंसर भी करना जरूरी है, ठीक है। होपफुली सब लोग रिवाइज करके आए होंगे। आज हम लोग जो है ये सेशन, ये जो मंथली है आपका, ये खत्म कर देंगे। आज जो रिमेनिंग 50 क्वेश्चंस हैं वो हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। चलिए भाई, और आज सभी बच्चे मुझे अपना अपना स्कोर भी लिखकर बताएंगे, कल का और आज का स्कोर दोनों का मिला के। अगर कल का स्कोर नहीं निकाला है तो आज का ही निकाल लेना, लेकिन जो भी स्टूडेंट्स रेगुलर आते हैं स्पेशली, वो मुझे अपना स्कोर जरूर नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे, ठीक है। मैं तुम लोगों को ग्रेड्स दूंगी, ठीक है। चलो अपने अपने क्या है, तुम लोग मेरे को मार्क्स बताओगे, तुम लोगों के कितने क्वेश्चन सही हुए और कितने गलत हुए हैं, ठीक है। चलिए सभी बच्चों को गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग संगीता, ऋषि, प्रशांत, गुड इवनिंग मनीषा, सृष्टि, गुड इवनिंग प्रवीण, ऋतु, हाँ जी गुड इवनिंग संगीता, गुड इवनिंग दीपक, सुबोध, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग नीति, विक्रम, गुड इवनिंग। चलिए जी जल्दी से आप लोग शेयर कर रहे हैं और साथ 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 में लाइक करते हुए चलेंगे वीडियो को, ठीक है। फिर हम स्टार्ट करें। अब फुल मार्क्स कैसे दे दें, पहले तुम लोग सही करो फिर उसके बाद फुल मार्क्स दूंगी। एक तो ऑनलाइन में तुम्हारा चीटिंग का बहुत बड़ा स्कोप हो जाता है, पर कोई बात नहीं, फिर भी मैं तुम लोगों पर भरोसा करके जो है तुम लोगों के मार्क्स देखूंगी कि तुम लोगों का क्या स्कोर हुआ है। तो चीटिंग ना करें और बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ जवाब दें, ठीक है भाई। चलो स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करें अब हम लोग। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु इज द बिगेस्ट इंपोर्टर ऑफ ब्रोकन राइस ऑफ इंडिया। देखो लास्ट मंथ हो गया, आज फर्स्ट हो गई है, तो लास्ट मंथ जून में जो है कॉमर्स मिनिस्ट्री के द्वारा प्रेस रिलीज जारी की गई थी, जिसमें जो है काफी सारा डेटा हमने पढ़ा था। कल भी हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे, जैसे कि आपका टॉप ट्रेड डेस्टिनेशन कौन सी रही इंडिया की, है ना। टेक्सटाइल सेक्टर में टॉप ट्रेड डेस्टिनेशन कौन सी रही, सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किस नेशन को हुआ। ये क्वेश्चन है आपका कि ब्रोकन राइस जो है भारत के, ठीक है, उसका सबसे बड़ा इंपोर्टर कौन सा देश रहा, यूएसए, चाइना, रशिया या फिर इजिप्ट, ठीक है। ये आपसे पूछा होगा। देखो भारत का टोटल जो एक्सपोर्ट रहा है चावल का, वो कितना रहा है, 212.10 लाख मेट्रिक टन, ठीक है। टोटल जो चावल का एक्सपोर्ट रहा भारत का वो इतना रहा, ठीक है। ये है आपका फाइनेंशियल ईयर 21 से 22 का है ये डेटा, और इसमें से जो है आपका लगभग 16.3 लाख मेट्रिक टन आपका क्या है, इसमें से एक नेशन को गया, ठीक है। इसमें से एक नेशन को गया, यूएसए, चाइना या फिर रशिया, और इसमें से भी क्या है 97%, ठीक है, 97% आपके क्या रहे, ब्रोकन राइस रहे, जो कि एक्सपोर्ट किए गए, ठीक है। ये सृष्टि बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। संतक, तपन, सृष्टि, सृष्टि का नाम मैंने दो बार ले लिया क्या जी, विकास बिल्कुल ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन बी चाइना। तो यानी कि चाइना में जो है सबसे ज्यादा भारत के एंड से एक्सपोर्ट किए गए ये चावल, ठीक है, ब्रोकन राइस, ठीक है। और इसके पीछे रीजन एक यही रहा कि ब्रोकन राइस का इस्तेमाल वहां पर क्या है, वाइन और नूडल्स बनाने के लिए किया जाता है। तो ये ब्रोकन राइस जो है सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किस नेशन को किए गए, चाइना को। और नॉर्मली अगर हम राइस की बात करते हैं कि राइस भी कहाँ इंपोर्ट किए गए, तो वो भी आपका चाइना है, ठीक है। तो 97% जो एक्सपोर्ट किए गए चावल, उसमें से 97% आपके ब्रोकन राइस थे, और जो टोटल आपका एक्सपोर्ट है राइस का, उसमें से 7.7% जो है आपका राइस चाइना को एक्सपोर्ट किया गया, ठीक। तो करेक्ट आंसर हुआ आपका ऑप्शन बी चाइना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, विच यूटी टॉप्ड इन ई गवर्नेंस डिलीवरी सर्विस, ई गवर्नेंस डिलीवरी सेवा में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश शीर्ष पर है। चलिए दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर या फिर लद्दाख। देखो अभी हाल ही में आपका जो नेस्डा 2021 जारी किया गया, नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट 2021, ठीक है, उसमें जो है ये आपका कौन सा एडिशन रहा, ये आपका दूसरा एडिशन रहा, ये हमने क्लास में पढ़ा है,
ठीक है, इसका पहला एडिशन कब जारी किया गया था, चलिए ईयर आप लोग मुझे जल्दी से बताएंगे। फर्स्ट एडिशन जो है इसका कब जारी किया गया था, तो अभी हाल ही में इसका सेकेंड एडिशन जारी किया गया है, और इसमें आप मुझे बता रहे हैं कि कौन से यूनियन टेरिटरी ने टॉप किया है। वेरी गुड सृष्टि, सीमा, यस, संगीता बिल्कुल सही है, फरहीन बिल्कुल सही है, उत्कर्ष नहीं, उत्कर्ष जी, तो आपका करेक्ट आंसर क्या है भाई, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर ने यूटी कैटेगरी में टॉप किया, और ओवरऑल अगर हम लोग बात करते हैं तो ओवरऑल किस स्टेट ने, ओवरऑल आपका केरला राज्य ने जो है टॉप किया इस आपके इंडेक्स में, ये जो आपका असेसमेंट था इसमें यूटीज में जम्मू कश्मीर टॉप पर रहा, और ओवरऑल देखा जाए तो आपका केरला टॉप पर रहा। ये आपका सेकेंड एडिशन था, फर्स्ट एडिशन कब रिलीज किया गया था कोई नहीं बता रहा मुझे, वेरी गुड। हाँ जी, तो फर्स्ट एडिशन कब रिलीज किया गया था इसका, फर्स्ट एडिशन आया था 2019 में, ठीक है, इसका जो इनॉग्रल एडिशन आया था वो 2019 में आया था, और अब जो है आपका इसका दूसरा एडिशन 2022 में है, और ये कौन से ईयर के लिए है, 2021 के लिए है, लास्ट ईयर को एसेस किया गया है। ठीक है, तो ये आपका जो ई गवर्नेंस डिलीवरी सर्विस इंडेक्स है, इसमें किस कौन से यूटी ने टॉप किया, जम्मू कश्मीर और ओवरऑल आपका केरला। ठीक है, इसके जम्मू कश्मीर की बात करें तो उसके पीछे एक रीजन ये भी था, हमने पढ़ा था कि जम्मू कश्मीर में जो एक बहुत ही पुराना ट्रेडिशन था, दरबार मूव ट्रेडिशन है ना, जम्मू कश्मीर की दो कैपिटल्स हैं, समर और विंटर, तो समर में जो है सारा एडमिनिस्ट्रेशन आपका समर कैपिटल में आता था, जब विंटर्स आते थे तो सारा एडमिनिस्ट्रेशन आपका विंटर कैपिटल में शिफ्ट करना पड़ता था, तो ये शिफ्टिंग का जो प्रोसेस है इसमें बहुत ज्यादा पैसा भी खर्च होता है, ऑफकोर्स मैन फोर्स भी बहुत ज्यादा लगता है, तो ये दरबार मूव ट्रेडिशन जो है 2021 में खत्म कर दिया था जम्मू कश्मीर ने, जिसके बाद क्या है, जम्मू कश्मीर एनुअली काफी करोड़ रुपए जो है सेव कर रही थी। ठीक है, उसके बाद जम्मू कश्मीर क्या है आपका ई गवर्नेंस डिलीवरी सर्विस में क्या है, इसने टॉप किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, फॉर हाउ मेनी इयर्स यूथ विल बी रिक्रूटेड थ्रू अग्निपथ स्कीम। चलिए भाई, जून महीने की एक बड़ी मेजर हाईलाइट ये भी रही कि अग्निपथ स्कीम जो है वो लॉन्च की गई थी। अग्निपथ स्कीम आपकी तीनों जो आपकी सारी आर्म फोर्सेस हैं उसमें रिक्रूटमेंट के लिए आपकी अग्निपथ स्कीम जारी की गई, जो पुराना सिस्टम था उसे खत्म करते हुए एक नया सिस्टम लाया गया है अग्निपथ स्कीम। ठीक है, रिक्रूटमेंट के लिए नेवी, आर्मी और आपका एयरफोर्स तीनों में रिक्रूटमेंट के लिए अब ये अग्निपथ स्कीम आपकी लाएगी। इसमें हम लोग बात करें तो इसमें एज लिमिट की अगर बात करते हैं तो कितनी है, 17.5 ईयर्स से लेकर आपकी 21 इयर्स है, और 21 इयर्स जो है इसी साल के लिए सिर्फ एक्सटेंड की गई है, ये कितनी की गई है, 23 साल। ठीक है, यानी कि इस साल जो लोग भर्ती होंगे, इस साल जो यूथ भर्ती होगा, ठीक है, उनके लिए क्या रहेगा, ये आपकी एलिजिबिलिटी जो है क्या रहेगी, 17.5 से 23 साल तक वो लोग जो है सर्विस कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद अगले साल से जो लोग भर्ती होने वाले हैं वो 17.5 से 21 साल तक ही जो है सर्विस दे सकते हैं। ठीक है, सो ये वन टाइम वेवर है आपका, एक टाइम के लिए ही आपका क्या है, ये 23 साल की जो है एज लिमिट बढ़ाई गई है। इमरान हुसैन, आपको आवाज नहीं आ रही है क्या? यस, तो ये जो क्वेश्चन है आपसे, कितने सालों के लिए रिक्रूट किया जाएगा, टिपिकली आपका 4 साल के लिए रिक्रूट किया जाएगा। ठीक है, टिपिकली आपका 4 साल के लिए रिक्रूट किया जाएगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इस साल के लिए क्या है, ये एज लिमिट बढ़ाई गई है, और कितनी की गई है आपका, 23 साल किया गया है। ठीक है, और इस स्कीम के तहत लगभग आपके एक साल 46,000 यूथ जो है उन्हें भर्ती किया जाएगा। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 4 इयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट व्हीकल मॉनिटरिंग सिस्टम किस राज्य ने लॉन्च किया है, किस भारतीय राज्य ने सुरक्षा मित्र परियोजना वाहन निगरानी प्रणाली शुरू की है, केरला, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या फिर तमिलनाडु। चलिए भाई, होपफुली आप लोग अपना अपना स्कोर काउंट कर रहे होंगे, क्योंकि आज मैं देखूंगी कि किस किस ने अपना स्कोर लिखा है कमेंट सेक्शन में। यस, चलिए बताइए। यस नीति, बिल्कुल ठीक है। सीमा, बिल्कुल करेक्ट है। तो सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट जो है आपका वो किसने लॉन्च किया है, किस राज्य ने आपका, केरला ने लॉन्च किया है। ठीक है, सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट आपका एक व्हीकल मॉनिटरिंग सिस्टम है, और इसके तहत आपका एक VLTD सिस्टम जो है वो लगाया जाएगा। ठीक है, व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस। ठीक है, व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस जो है वो गाड़ियों में, व्हीकल्स में जो है लगाया जाएगा, जिसकी मदद से अगर किसी भी तरीके का एक्सीडेंट होता है तो ओनर के पास मैसेज चला जाएगा, सिग्नल मैसेजेस चले जाएंगे। तो ये सिस्टम जो है व्हीकल मॉनिटरिंग सिस्टम, जिसका नाम है सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट, ये किस राज्य ने शुरू किया है, केरला ने शुरू किया है। ठीक है, केरला आपका करेक्ट आंसर है। अगले सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, व्हाट इज द वेन्यू ऑफ द 12th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। देखो, अभी हाल ही में
12th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, है ना। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो 1995 में इसकी स्थापना हुई है। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? इसके हेडक्वार्टर्स जिनेवा में है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और इसकी आपकी डायरेक्टर कौन है? गोजी ओकोंजो इवियाला, है ना। तो ये जो अभी हाल ही में आपकी 12th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, वो कहाँ हुई है? इंडिया की तरफ से इसमें पार्टिसिपेट किसने किया है? इंडिया की तरफ से इसमें किसने पार्टिसिपेट किया है? चलिए जल्दी से मुझे बताइए, इंडिया की तरफ से किसने रिप्रेजेंट किया है इस कॉन्फ्रेंस में, और ये कॉन्फ्रेंस आपकी कहाँ हुई है? यस, सृष्टि बिल्कुल ठीक है, मानसी, मनीषा, दीपक, उत्कर्ष, यस, पवन, यस, करेक्ट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन ए, जिनेवा। ठीक है, जिनेवा में हेडक्वार्टर्स एंड डब्ल्यूटीओ के, तो वहीं पर क्या है इसका, आपका ये कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ है। ये कॉन्फ्रेंस आपकी MC12 है, 12 से 15th ऑफ जून तक जो है आपकी ये कॉन्फ्रेंस चली है। ठीक है, जल्दी से मुझे बताइए इंडिया को किसने रिप्रेजेंट किया, जल्दी से। यस प्रशांत, यस मानस, बिल्कुल बहुत अच्छे मानस, करेक्ट आंसर क्या है? इंडिया की तरफ से इस कॉन्फ्रेंस में किसने रिप्रेजेंट किया? पीयूष गोयल ने। ठीक है, इंडिया की तरफ से इस कॉन्फ्रेंस में कौन मौजूद रहे? पीयूष गोयल रहे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है आपका? पीयूष गोयल और ऑप्शन ए, जिनेवा। ये कॉन्फ्रेंस आपकी कहाँ हुई है? आपकी जिनेवा में हुई है। और बात की जाए इसकी 11th एडिशन की, तो इसका 11th एडिशन कहाँ हुआ? अर्जेंटीना में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, विच कंट्री रिसेंटली डिक्लेयर्ड चाउ सोन हुई एज इट्स फर्स्ट फीमेल फॉरेन मिनिस्टर? देखो, अभी हाल ही में किस देश ने चाउ सोन हुई को अपनी पहली महिला विदेश मंत्री घोषित किया? नॉर्थ कोरिया, चाइना, साउथ कोरिया या फिर जापान? जल्दी से, चाउ सोन हुई को किस नेशन का पहला फीमेल फॉरेन मिनिस्टर घोषित किया गया? जल्दी से जी, चलिए जी जल्दी से मुझे आंसर करेंगे। यस मानस, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ रहे हैं सभी बच्चे, जल्दी जल्दी से। वेरी गुड मानसी, सबसे पहले आंसर किया है मानसी ने। और गुड आफ्टरनून रामविक राम, यस प्रशांत जी, तो करेक्ट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन ए, नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया की पहली फीमेल फॉरेन मिनिस्टर कौन बनी है अभी हाल ही में? चाउ सोन हुई, इन्होंने रिप्लेस किया है री सोन बुआन को। ठीक है, इनके नाम थोड़े से कंफ्यूजिंग होते हैं, तो री सोन गुआन को जो है इन्होंने रिप्लेस किया। और अभी जो नई पहली फीमेल फॉरेन मिनिस्टर बनी है किस नेशन की? नॉर्थ कोरिया की, है ना। तो वो कौन बनी है आपकी? चाउ सोन हुई बनी है। नाम भी याद रखना है, नाम भी पूछा जा सकता है कि बताओ नॉर्थ कोरिया की पहली फीमेल फॉरेन मिनिस्टर कौन बनी, तो कौन बनी है? चाउ सोन हुई बनी है। किसे रिप्लेस किया? री सोन गुआन को इन्होंने रिप्लेस किया। नॉर्थ कोरिया के लीडर आप सभी जानते हैं कौन है? किम जोंग उन है। ठीक है, और यहाँ की कैपिटल क्या है? प्योंगयांग। ठीक है, प्योंगयांग यहाँ की क्या है? कैपिटल है। तो करेक्ट आंसर हुआ आपका ऑप्शन ए, नॉर्थ कोरिया। ठीक है, नॉर्थ कोरिया मैं लिखवा दूंगी पीपीटी में, इसमें आंसर लिखा नहीं है। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं, यूनाइटेड नेशंस किस देश को अपना नाम बदलने के लिए संयुक्त राष्ट्र से मंजूरी मिली है? ज़ेक रिपब्लिक, टर्की, कोलंबिया या फिर वाटिकन सिटी? चलिए, अभी हाल ही में जो है इसमें से कौन से नेशन ने अपना नाम चेंज किया है उसके लिए संयुक्त राष्ट्र से मंजूरी भी मिली है, यूनाइटेड नेशंस से। यूनाइटेड नेशंस है आपका, हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? यूएन के, न्यूयॉर्क में है, है ना। जल्दी से मुझे बताइए किस कंट्री को अप्रूवल मिला नाम चेंज करने के लिए? वेरी गुड विक्रम सिंह, बहुत अच्छे। सीमा, आज सीमा और सृष्टि के आंसर्स बहुत जल्दी जल्दी आ रहे हैं, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। ब्रजलाल, बिल्कुल ठीक है भाई। साइन, बिल्कुल ठीक है। करेक्ट आंसर क्या है आपका? टर्की है। ठीक है, टर्की की बात की जाए तो टर्की की आपकी कैपिटल क्या है? टर्की की आपकी कैपिटल क्या है? अंकारा है। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? रिसेप टाइप एर्डोगन। ठीक है, तो अभी हाल ही में टर्की को जो है अप्रूवल मिला है यूनाइटेड नेशंस से अपना नाम बदलने के लिए। क्या नाम कर दिया गया है नया? ऑफिशियल नेम तुर्की, है ना, कुछ इस तरीके से। यहाँ पर यू के ऊपर दो डॉट्स हैं, तो इस तरीके से नाम है अब नया। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन बी, टर्की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अच्छा भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हैज रिसेंटली पास्ड अ बिल टू रिप्लेस
गवर्नर विद द चीफ मिनिस्टर एज चांसलर ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटीज। देखो ये हमने क्लास में पढ़ा था कि अभी हाल ही में इसमें से एक राज्य में एक बिल पास हुआ है जो ये कहता है कि जो स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, ठीक है, उसके जो वाइस चांसलर है, सॉरी जो उसके चांसलर हैं, ठीक है, वो गवर्नर होते थे, अब गवर्नर की जगह चीफ मिनिस्टर जो है क्या है, स्टेट यूनिवर्सिटीज के चांसलर बनेंगे। तो ये बिल अभी हाल ही में इसमें से एक राज्य में पास हुआ है, और वो राज्य कौन सा है? वेरी गुड सीमा, विक्रम, संगीता, गौरव, यस बिल्कुल ठीक है गौरव, वेरी गुड प्रशांत, शंभू, बिल्कुल ठीक है शंभू, करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, वेस्ट बंगाल। तो अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल में ये बिल पास हुआ है कि स्टेट यूनिवर्सिटीज के अब जो चांसलर बनेंगे वो गवर्नर नहीं बनेंगे, अब जो चांसलर बनेंगे वो मुख्यमंत्री बनेंगे, ठीक है। तो सभी जानते हैं वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री कौन है, ठीक। तो करेक्ट आंसर हुआ आपका ऑप्शन डी, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में ये बिल आपका पास हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, एपिडा ने अभी हाल ही में मैंगो फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट किया है? एपिडा ने अभी हाल ही में मैंगो फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट किया है, और एपिडा के चेयरमैन कौन है? हु इज द चेयरमैन ऑफ एपिडा? चलिए जल्दी से ये भी बताएंगे, और ये आपका जो मैंगो फेस्टिवल 2022 है ये कहाँ हुआ है ये भी आप लोग मुझे बताएंगे, मैंगो फेस्टिवल 2022 कहाँ हुआ है, जल्दी से फटाक से आंसर करेंगे। वेरी गुड सीमा, विक्रम, बाकी भी आंसर करो, मुझे बाकियों के भी नाम देने। यस संतक, बिल्कुल ठीक है, सीमा और विक्रम आर ऑन टॉप। सम्राट दुबई, उत्कर्ष लिखा है ए, भरेन, चलिए। और एपिडा के आपके चेयरमैन कौन है, जल्दी से आंसर करेंगे। चलिए यस प्रशांत, बिल्कुल ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन है बहरीन, बहरीन में जो है आपका एपिडा ने अभी हाल ही में मैंगो फेस्टिवल सेलिब्रेट किया, जिसमें लगभग आपकी 34 वैरायटीज जो है मैंगोज की शोकेस की गई। ये सारी की सारी वैरायटीज जो है वो ईस्टर्न स्टेट से ली गई थी, फ्रॉम ईस्टर्न स्टेट, जैसे आपका वेस्ट बंगाल हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, ठीक है। और बात की जाए ये फेस्टिवल की, तो किसके द्वारा सेलिब्रेट किया गया? एपिडा, एपिडा के चेयरमैन कौन है? अंगमुथु है, बिल्कुल ठीक है, अंगमुथु शायद नहीं है, बिल्कुल सही लिखा है, अंगमुथु ही है, ठीक है। तो डॉक्टर एम अंगमुथु जो है एपिडा के चेयरपर्सन है। एपिडा की बात की जाए तो इसकी स्थापना कब हुई है? 1986 में हुई है, ठीक है। तो ये मैंगो फेस्टिवल आपका कहाँ पर? बहरीन में मनाया गया, और इसका इनॉग्रेशन किसके द्वारा किया गया? पीयूष श्रीवास्तव के द्वारा जो है इसका उद्घाटन, इस फेस्टिवल का उद्घाटन किया गया, ठीक है। ये इंडियन एम्बेसडर है टू बहरीन, इन्होंने जो है क्या है ये मैंगो फेस्टिवल का इनॉग्रेशन किया, ठीक है। ये आपका 8 दिन का 8 डेज का ये मैंगो फेस्टिवल था, ठीक है। तो आपका सही जवाब क्या है, कहाँ मनाया गया? बहरीन में मनाया गया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, अभी हाल ही में वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में जो है किसने टॉप किया है? चलिए वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में जो है यूएसए, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड या फिर आपका स्वीडन, किसने टॉप किया है? जल्दी से आंसर करेंगे, किसने टॉप किया है? ये इंडेक्स की बात करते हैं तो इंडेक्स आपका किसने जारी किया है? इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा आपको इंडेक्स जारी किया गया, ठीक है। इसमें टॉप किसने किया है और इंडिया की रैंक क्या है, ठीक है, इंडिया की रैंक क्या है? बात की जाए इंडिया की प्रीवियस रैंक थी 37, ठीक है। इस साल इंडिया की रैंक कितनी है ये आप लोग मुझे बताएंगे, और टॉप किसने किया है? यस टॉप किसने किया है, बिल्कुल ठीक है, टॉप किया है आपका डेनमार्क ने, यस टॉप किसने किया, वेरी गुड प्रशांत, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, और फोर्थ पर कौन सा है आपका? स्वीडन। टॉप पर है आपका डेनमार्क, नंबर टू पर है आपका स्विट्जरलैंड, है ना, नंबर थ्री पर है सिंगापुर, और फोर्थ पर कौन सा नेशन है आपका? स्वीडन है ना। और ये इंडेक्स आपका किसके द्वारा जारी किया गया है? इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, यस। इंडिया की रैंक कितनी है?
चलिए इंडिया की रैंक में बहुत कंफ्यूज हैं, जल्दी से मुझे आंसर करेंगे कि इंडिया की रैंक कितनी है। तो ये इंडेक्स आपका किसके द्वारा जारी किया गया है? आपका आईएमडी के द्वारा जारी किया गया है। और इंडिया की अगर हम लोग बात करते हैं तो इंडिया की इस साल की रैंक है आपकी 37, और पिछले साल की इंडिया की रैंक क्या है? 43 है। ठीक है, 43 से इंडिया ने जंप किया है 37 पे, 6 पोजीशंस का ये जंप है। तो इस साल इंडिया की रैंक रही है, इस साल इंडिया की पोजीशन बेटर हुई है 37, और पिछले साल थी 43। ठीक है, और इस रैंक में, सॉरी इस इंडेक्स में आपका टॉप किसने किया है? डेनमार्क ने किया है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, डेनमार्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। वेयर डिड इंडियाज लॉन्गेस्ट टूथेड एलिफेंट भोगेश्वर पास अवे रिसेंटली? हाल ही में एशिया के सबसे लंबे दांत वाले हाथी भोगेश्वर का निधन कहां हुआ है, ये आपसे पूछा है। भोगेश्वर की बात की जाए तो भोगेश्वर को मिस्टर कबीनी के नाम से भी जो है जाना जाता था। ठीक है, 60 इयर्स के थे ये एलिफेंट, और एशिया के सबसे लंबे दांत वाला ये हाथी था। लगभग 2.5 meters लंबे जो है इसके दांत थे, हमने क्लास में फोटो भी देखी थी, है ना। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका? यस, बिल्कुल ठीक है मानस, संगीता बिल्कुल करेक्ट है। सही जवाब क्या हुआ आपका? कर्नाटक। ठीक है, क्यों इनको ठीक है, तो भोगेश्वर की बात की जाए तो भोगेश्वर को क्या है? प्राइड ऑफ कर्नाटक भी जो है बोला जाता था, प्राइड ऑफ कर्नाटका भी जो है इसे बोला जाता था। ठीक है, और ये आपको कर्नाटक के कौन से टाइगर रिजर्व में मिलता था? चलिए बताइए कि हमने क्लास में पढ़ा हुआ है, कर्नाटक के कौन से टाइगर रिजर्व में जो है ये पाया जाता था? चलिए फटाफट से, कर्नाटक में आपके टोटल कितने? 6 टाइगर रिजर्व है ना, और टोटल ओवरऑल बात की जाए तो इंडिया के पास 53 टाइगर रिजर्व है। कर्नाटक के कौन से टाइगर रिजर्व में? वेरी गुड मानसी, बिल्कुल ठीक लिखा है मानसी ने। तो कौन से कर्नाटक के आपके बांदीपुर टाइगर रिजर्व, भोगेश्वर बांदीपुर टाइगर रिजर्व में जो है इसकी डेथ हुई है, वहीं पर ये पाया जाता था। ठीक है, वेरी फनी धवन तुम। चलिए तो करेक्ट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन डी, तमिल, सॉरी कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंसेज ऑब्जर्व, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंसेज कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस कब मनाया जाता है? 13, 14, 15 या फिर 16 जून? चलिए भाई जल्दी से बताएंगे, आपसे पूछा है कि इंटरनेशनल डे ऑफ रेमिटेंसेस कब मनाया जाता है। गुड इवनिंग राजीव बिश्नोई। चलिए भाई वीडियो को आप सब लोग साथ साथ में लाइक और शेयर करते हुए चलेंगे। 16 जून, यस बिल्कुल ठीक है उत्कर्ष, सृष्टि, एकता, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन डी, 16 जून। इस साल की थीम क्या रही है? इस साल की थीम क्या रही है? रेमिटेंसेस, रेजिलियंस थ्रू फाइनेंशियल एंड डिजिटल इंक्लूजन, थ्रू फाइनेंशियल एंड डिजिटल इंक्लूजन। तो इंटरनेशनल डे ऑफ रेमिटेंसेस जो है आपका फैमिली रेमिटेंसेस कब मनाया जाता है? आपका 16 जून को मनाया जाता है। करेक्ट आंसर क्या है आपका? 16 जून, ठीक है। और इसकी थीम क्या है आपकी? रेमिटेंसेस रिकवरी एंड रेजिलियंस थ्रू फाइनेंशियल एंड डिजिटल, रिकवरी एंड रेजिलियंस थ्रू फाइनेंशियल एंड डिजिटल इंक्लूजन। इस दिन आपका ये डे मनाया जाता है। रेमिटेंसेस मैंने उस दिन भी आपको क्लास में समझाया था कि क्या होता है। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका? 16 जून। चलिए भाई ये है आपका स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन। चलिए क्या कहता है पहला स्टेटमेंट की तेलंगाना डे आपका 3 जून को मनाया जाता है। कल भी हमने क्वेश्चन किया है। वर्ल्ड ओशन डे आपका 8 जून को मनाया जाता है। डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर 12 जून को, और वर्ल्ड एनवायरमेंट डे आपका 6 जून को। चलिए अब ऑप्शन देखेंगे और आंसर करेंगे जल्दी से। गुड इवनिंग महेश यादव। चलिए जी जल्दी से बताएंगे आप लोग।
इसमें से करेक्ट आंसर क्या है। मानसी ने क्या लिखा है? बी। सीमा ने लिखा है 2, 3 और 4 करेक्ट। उत्कर्ष ने भी लिखा है बी 2 और 3 राइट। यस, नहीं स्किप नहीं करना है विजय। करेक्ट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन बी। ठीक है, कैसे? तेलंगाना डे हमने कल ही पढ़ा है, 3rd को नहीं 2nd of June को इसकी स्थापना हुई है, 2 जून 2014 में। भारत का यंगेस्ट स्टेट है, 28वां स्टेट है, सब कहानी हमने कल पढ़ी है। ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाता है फर्स्ट, क्योंकि 3rd को नहीं 2nd of June को तेलंगाना डे आता है। वर्ल्ड ओशन डे आपका 8 जून को आता है, ये बिल्कुल ठीक है ना। थीम क्या है? रिवाइटलाइजेशन कलेक्टिव एक्शन फॉर ओशन। 3rd डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर भी आपका कब मनाया जाता है? 2nd of June को, सॉरी 12th of June को मनाया जाता है, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। वर्ल्ड एनवायरमेंट डे आपका 6th of June को नहीं 5th of June को मनाया जाता है ना। 5th of June को मनाया जाता है। इस साल होस्ट नेशन कौन सा रहा है? इस साल होस्ट नेशन रहा है स्वीडन, और इस साल इसकी थीम क्या रही है? ओनली वन अर्थ, ओनली वन अर्थ। ठीक है भाई, तो आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी 2 और 3। ठीक, इजी है, इजी पीजी। करेक्ट आंसर क्या हुआ आपका? ऑप्शन बी 2 और 3 आर करेक्ट। ध्यान रखेंगे, तेलंगाना डे 2nd of June, एनवायरमेंट डे 5th of June। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली द I2U2 ग्रुप हैज बीन क्रिएटेड। चली भाई, एक रिसेंट डेवलपमेंट जून के मंथ में ये भी रही कि आपका I2U2 ग्रुप जो है वो बना। आपसे ये पूछा है कि इसमें कितने नेशंस हैं। I2U2 ग्रुप आपका बना पिछले महीने, आपसे ये पूछा है कि इसमें कितने नेशंस हैं। ठीक है, चलिए जी, बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं, ओनली वन अर्थ। यस, सम्राट राय, वेरी गुड। सीमा, बिल्कुल ठीक है। यस अंजलि, 4 countries, बिल्कुल ठीक है। करेक्ट आंसर क्या है आपका? 4 countries हैं। ठीक है, 4 कौन सी कंट्रीज हैं आपकी? I2 यानी एक इंडिया हो गया और एक इजराइल हो गया। ठीक है, U2 हो गया आपका, एक UAE हो गया, और दूसरा हो गया आपका USA। ठीक है, तो ये आपके क्या है? 4 nations हैं जो कि I2U2 ग्रुप में आते हैं, तो करेक्ट आंसर है आपका 4। और इनका पहला समिट जो है जुलाई में होने वाला है। ठीक है, और ये समिट आपका, इनका पहला समिट होने वाला है I2U2 ग्रुप का, और ये समिट आपका फूड सेफ्टी पर बेस्ड रहने वाला है। ठीक है, तो I2U2 ग्रुप में आपके ये 4 nations हैं, इन 4 nations ने मिलकर ये अलायंस बनाया है, और पहला समिट जुलाई में होने वाला है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अभी हाल ही में I2U2 ग्रुप आपका फॉर्म हुआ है इन 4 nations के साथ। ओके, चलिए, 4 है इसका आंसर, बी कैसे है, चलिए मैं इसको ठीक करवा दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, विच कंट्रीज लेक सावा हैज ड्राइड अप ड्यू टू वाटर क्राइसिस। चलिए भाई, लेक सावा आपका किस नेशन में आता है? लेक सावा पूरी तरीके से सूख चुका है, क्लाइमेट चेंज की वजह से, कम बारिश की वजह से, सूखा पड़ने की वजह से लेक सावा कंप्लीटली सूख चुका है। ठीक है, आपसे ये पूछा है कि लेक सावा किस नेशन में आता है? साउथ कोरिया, ईरान, इराक या फिर नॉर्थ कोरिया। चलिए जी, जल्दी से बताएंगे। सृष्टि, इराक लिखा है सृष्टि ने, मानसी ने इराक लिखा है, अतुल ठाकुर ने भी इराक लिखा है। चलिए भाई, होपफुली आप लोग अपने अपने स्कोर साथ साथ में लिखते हुए चलेंगे, मुझे स्कोर देखने हैं सबके। ठीक है, सेशन एंड होने के बाद सब लोग मुझे अपना अपना स्कोर नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। जी बिल्कुल ठीक है, करेक्ट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन सी, इराक। ठीक है, इराक का है आपका, इराक की कैपिटल क्या है? बगदाद है, बगदाद है, और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? बरहम सोली। ठीक है, तो इराक का आपका ये लेक है लेक सावा। ठीक है, इसे पर्ल ऑफ साउथ के नाम से भी जाना जाता था, पर्ल ऑफ साउथ के नाम से भी क्या है इस लेक को जाना जाता था। ठीक है, ये लेक आपका कंप्लीटली सूख चुका है, कहाँ पर है? इराक में है। इसके अलावा 2014 में क्या है, इसे वेटलैंड साइट भी घोषित किया गया था, वेटलैंड साइट भी क्या है इसे बनाया गया था, लेकिन उसके बावजूद सूख गया है। ठीक है, मेजर रीजन रीजन आपके क्या रहे? क्लाइमेट चेंज, ड्रोट ड्रॉट आपका, और लेस रेनफॉल की वजह से आपका ये लेक कंप्लीटली सूख चुका है। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि विच कंट्री हैज रिसेंटली ऑर्गेनाइज शांग्री ला टॉक्स आफ्टर 2 years। 2 साल बाद शांग्री ला वार्ता जो है
आपका क्या है? आपसे ये पूछा है कि हाल ही में किस देश ने 2 साल बाद शांग्रीला वार्ता आयोजित की है? चाइना, जापान, साउथ कोरिया या फिर सिंगापुर? ये पूरा जून का है, सिर्फ और सिर्फ, मई का नहीं है, सिर्फ जून का करंट अफेयर है ये, ठीक है? जो भी पूछ रहे हैं, यस करेक्ट आंसर क्या है? देख लिया कली चीटिंग। सही जवाब क्या है? ऑप्शन डी सिंगापुर। सिंगापुर में आपका भाई ये अभी हाल ही में 19th आपका एशिया सिक्योरिटी समिट हुआ है, ठीक है? एशिया सिक्योरिटी समिट आपका 19th एडिशन जो है इसका हुआ है। ये आपका 2002 से शुरू हुआ था और ये सिंगापुर में आपका होता है, सिंगापुर के शांग्रीला होटल में जो है आपका ये शांग्रीला होटल में जो है ये करवाया जाता है, इसीलिए इसे शांग्रीला डायलॉग बोला जाता है। ऑफिशियली इसका नाम है एशिया सिक्योरिटी समिट। अभी हाल ही में इसका 19th एडिशन हुआ है 2 साल के बाद और ये आपका कहां पर हुआ है? ऑप्शन डी सिंगापुर बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। ये कहां हुआ है? सिंगापुर में। तो करेक्ट आंसर हुआ आपका क्या? ऑप्शन डी सिंगापुर, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आपसे ये पूछा है इन विच कंट्रीज आइलैंड जावा द टेंगर कम्युनिटी वर्शिप द वोल्केनो फॉर कामनेस। चलिए भाई देखो न्यूज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन जो कम्युनिटी है वो इंपॉर्टेंट है। जल्दी से मुझे बताओ कि टेंगर कम्युनिटी जो है आपकी किस नेशन से बिलोंग करती है, जल्दी से। और ये टेंगर कम्युनिटी कहाँ रिसाइड करती है, माउंट कौन सा माउंट है वो जल्दी से मुझे बताइए। आपका पीडीएफ कहाँ मिलेगा? देखो सुबोध पीडीएफ मिलेगा आपको केडी लाइव एप्लीकेशन पर। केडी लाइव एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, पीडीएफ भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस आपको केडी लाइव एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, वहां से क्लिक 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 और पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक। इंडोनेशिया, गुरमीत सिंह इंडोनेशिया नहीं, क्लास रोज ही होता है, ठीक है? कभी कभी कोई परेशानी अगर मुझे आ जाए तो क्लास कैंसिल हो जाती है। यूजुअली जो आपका शेड्यूल है वो रोज का ही है, ठीक है जी। करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए इंडोनेशिया, ठीक है? इंडोनेशिया से बिलोंग करती है आपकी टेंगर कम्युनिटी और ये रिसाइड करती है कहां पर? माउंट ब्रोमो के स्लोप्स पर जो है ये रिसाइड करती है, ठीक है? माउंट ब्रोमो आपका एक एक्टिव वॉल्केनो साइट है, ठीक है? 2016 में इसमें लास्ट जो है डिस्ट्रप्शन देखा गया था, ठीक है? तो ये टेंगर कम्युनिटी जो है अभी हाल ही में न्यूज में इसीलिए थी क्योंकि अभी हाल ही में उन्होंने इसके वॉल्केनो को शांत करने के लिए पूजा की थी और ये टेंगर कम्युनिटी आपकी इंडोनेशिया में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हु वॉज अपॉइंटेड एज अ साइंस एडवाइजर टू द प्रेजिडेंट ऑफ अमेरिका? अमेरिका के राष्ट्रपति के विज्ञान सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आरती प्रभाकर, शांति सेठी, हर्बी जिस्केंड या फिर शारी योस्टहोल्ड? चलिए आपसे क्या पूछा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति के विज्ञान सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देखो शांति सेठी की बात की जाए तो शांति सेठी आप सब लोग जानते हैं, कमला हैरिस की क्या है? डिफेंस एडवाइजर है, है ना? यस प्रशांत, आरती बिल्कुल करेक्ट है, मानसी, उत्कर्ष, फरहीन, संतक, यस करेक्ट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन ए आरती प्रभाकर। लास्ट मंथ आपकी आरती प्रभाकर न्यूज में इसीलिए थी क्योंकि इन्हें क्या है साइंस एडवाइजर के रूप में नॉमिनेट किया गया है। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका? आरती प्रभाकर ये रिप्लेस कर रही है किन्हें? एरिक लैंडर को जो है ये रिप्लेस कर रही है। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए आरती प्रभाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। Which is the world's most expensive city according to a recent report? हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है? लंदन, न्यूयॉर्क, शंघाई या फिर सिंगापुर? सबसे एक्सपेंसिव सिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ रहे हैं। वीडियो को आप सब लोग लाइक और शेयर करते हुए चल रहे हैं और स्कोर साथ साथ में नोट करते हुए चल रहे हैं। शंघाई, वेरी गुड सृष्टि, डी डी लिखा है गोविंद। गोविंद क्यों? ऑप्शन सी शंघाई आपका करेक्ट आंसर। देखो अभी हाल ही में जूलियस बेयर की ये जूलियस बेयर ग्रुप की जो है ये रिपोर्ट है, ठीक है? ग्रुप की जो है ये रिपोर्ट है, ये हेल्थ, ये वेल्थ है आपका, वेल्थ एंड लाइफस्टाइल जो रिपोर्ट है आपका ये
ठीक है, इसमें आपका किसने टॉप किया है, इसमें टॉप किया है किसने, शंघाई ने टॉप किया है। सबसे एक्सपेंसिव सिटी आपकी कौन सी रही है, शंघाई रही है। सेकेंड नंबर पर आपकी कौन सी रही है, लंदन। थर्ड पर रही है आपकी ताइपे, और फोर्थ पर रही है आपकी हांगकांग। ठीक है, तो ये आपकी टॉप फोर सिटीज हैं जो कि इस लिस्ट में जिन्होंने टॉप किया है। बात की जाए तो मॉस्को को जो है इस लिस्ट से बाहर कर दिया गया था, मॉस्को जो आपकी रशिया की कैपिटल है उसे इस लिस्ट से बाहर किया गया था। ठीक है, तो ये जो आपकी रिपोर्ट है इसमें किसने टॉप किया है, इसमें टॉप किया है आंसर सी, शंघाई ने टॉप किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। वेयर वॉज उन्मेष इंटरनेशनल लिटरेरी फेस्टिवल बींग ऑब्जर्व, उन्मेष अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव कहाँ मनाया जा रहा है। चलिए, कहाँ मनाया गया है, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या फिर केरला। चलिए जल्दी से बताएंगे, सिंपल क्वेश्चन है, उन्मेष फेस्टिवल आपका कहाँ मनाया गया है। यस, हिमाचल प्रदेश, बिल्कुल ठीक है। जी करेक्ट आंसर क्या है आपका, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में आपका ये फेस्टिवल, हिमाचल प्रदेश के डुबलिन में जो है आपका ये फेस्टिवल मनाया गया है। ठीक है, 3 दिन का आपका ये फेस्टिवल था, 3 डेज का आपका ये फेस्टिवल था, और इसका आयोजन करवाया गया मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और साहित्य अकेडमी के द्वारा। ठीक है, साहित्य अकेडमी के द्वारा मिलकर इन्होंने क्या है इस फेस्टिवल का आयोजन किया। उन्मेष ये आपका अंतर्राष्ट्रीय लिटरेरी फेस्टिवल रहा, यहाँ पर कई सारे पोएट्स राइटर्स जो हैं इन्होंने इस अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव में क्या है पार्टिसिपेट किया। सो ये आपका कहाँ पर मनाया गया, ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश आपका सही जवाब है। अगला सवाल आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए भाई, अभी वाइवा टेक हुआ है आपका, यूरोप का सबसे बड़ा स्टार्टअप कॉन्फ्रेंस है ये। ठीक है, उसमें किस नेशन को जो है कंट्री ऑफ द ईयर रिकॉग्नाइज किया गया है। चलिए जल्दी से बताइए। देखो अभी हाल ही में आपका वाइवा टेक हुआ है, वाइवा टेक हुआ है, ये यूरोप का सबसे बड़ा स्टार्टअप कॉन्फ्रेंस है। ठीक है, ये इसमें जो है आपका कंट्री ऑफ द ईयर कौन रहा, ये आपसे पूछा हुआ है। इंडिया, यस सृष्टि, बिल्कुल ठीक है। करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन बी आपका इंडिया। ठीक है, तो अभी हाल ही में इसका कौन सा, इसका 16th एडिशन जो है वो मनाया गया, ऑब्जर्व किया गया। ठीक है, बात की जाए इसका पहला एडिशन कब था, 2006 में था। ठीक है, ये आपका 15 से 18 जून तक जो है, 15 से 18 जून तक जो है आपका ये सेलिब्रेट ऑब्जर्व किया गया। ठीक है, ये कॉन्फ्रेंस जो है आपकी हुई, और इसमें जो है आपका कंट्री ऑफ द ईयर कौन सा नेशन रहा आपका, भारत रहा। क्यों रहा, बेसिकली भारत में देखो यूनिकॉर्न जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, 100 के आसपास जो है इंडिया के पास, 100 से ऊपर जो है यूनिकॉर्न्स अब हो रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, है ना। हाँ अमित, क्वेश्चन में ही आंसर है वो, इंडिया गलती से मिसटाइप हो गया। ठीक, तो आपका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन बी इंडिया। इंडिया को जो है कंट्री ऑफ द ईयर घोषित किया गया, किसमें, वाइवा टेक में। वाइवा टेक की बात की जाए तो ये क्या है, यूरोप का सबसे बड़ा स्टार्टअप कॉन्फ्रेंस है, और इसका अभी हाल ही में 6th एडिशन हुआ है भाई, 6th। ठीक है, 6th एडिशन हुआ है, फर्स्ट 2006 में हुआ है। तो सही जवाब क्या है, ऑप्शन बी इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइको फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है। देखो बाइको फेस्टिवल जो है आपका कौन सी ट्राइब्स के द्वारा, राभा ट्राइब्स के द्वारा जो है मनाया जाता है, राभा ट्राइब्स के द्वारा मनाया जाता है। ये फेस्टिवल आपका किस राज्य में मनाया जाता है, ये आपसे पूछा हुआ है। बाइको फेस्टिवल, असम, केरला, महाराष्ट्र या फिर गुजरात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, आपसे क्या पूछा है। वेरी गुड मानसी, विक्रम, सृष्टि, ऐसा एग्जाम में होगा भी नहीं कभी, बिल्कुल ठीक लिखा है, होना भी नहीं चाहिए। हाँ जी,
यस असम, बिल्कुल ठीक है, करेक्ट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन ए असम। तो असम में जो है आपका ये फेस्टिवल मनाया जाता है। देखो राभा ट्राइब्स की बात करते हैं तो ये जो है आपके असम और थोड़ा थोड़ी बहुत जो है इनकी कम्युनिटीज जो है कहाँ पर, वेस्ट बंगाल में भी पाई जाती हैं, राभा ट्राइब्स की बात करते हैं, तो इनके द्वारा ये बैकहो फेस्टिवल जो है वो मनाया जाता है। तो बेसिकली जो गुड हार्वेस्ट सीजन को सेलिब्रेट करने के लिए ये इन राभा ट्राइब्स के द्वारा ये असम में आपका उत्सव सेलिब्रेट किया जाता है। करेक्ट आंसर है असम। नेक्स्ट क्वेश्चन, होमोसेप किसने डेवलप किया है, हाल ही में किस संस्थान ने होमोसेप विकसित किया है। होमोसेप आपका एक रोबोट है जो कि सेप्टिक टैंक्स को क्लीन करने के लिए बनाया गया है, जो कि सेप्टिक टैंक्स को जो है आपका क्लीन करने के लिए बनाया गया है ना। सेप्टिक टैंक्स आप सबने देखे होंगे, जो नाले होते हैं बेसिकली, ठीक है ना, जो रोड के बीच में जो नाले वगैरह होते हैं। बस कर दिया मैंने माइक को, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है, और देखो होमोसेप जो आपका रोबोट है जो डेवलप किया गया है किसके द्वारा किया गया है, आईआईटी मद्रास के द्वारा क्या है आपका ये डेवलप, इसे विकसित क्या है किया गया है, ठीक है। आईआईटी मद्रास की बात की जाए तो इसके डायरेक्टर कौन है, इसके डायरेक्टर है वी कामाकोटी, ठीक है। तो ये जो आपका होमोसेप है, ठीक है, ये हाँ जी, तो ये आपका सेप्टिक टैंक्स को क्लीन करने के लिए जो है बनाया गया है, ये रोबोट डेवलप किया गया है ताकि जो मैनुअल स्केवेंजिंग है उसे क्या है खत्म किया जा सके, कम किया जा सके। हम सब लोग देखते हैं कि नॉर्मली क्या है, जो ये सीवर्स होते हैं, जो ये नाले होते हैं, इन्हें क्लीन करने के लिए नॉर्मल इंसान आता है और वो उसमें जाता है फिर उसे क्लीन करता है, तो उसे मैनुअल स्केवेंजिंग कहते हैं। तो मैनुअल स्केवेंजिंग को खत्म करने के लिए आपका ये होमोसेप किसके द्वारा विकसित किया गया है, आईआईटी मद्रास के द्वारा इसे क्या है विकसित किया गया है। करेक्ट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन डी आईआईटी मद्रास, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू लॉन्च बालिका पंचायत, कौन सा राज्य बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। यह भी लास्ट मंथ का हाईलाइट रहा कि बालिका पंचायत शुरू की इसमें से एक राज्य ने, कौन सा राज्य है ये आपसे पूछा हुआ है, ठीक है। चलिए जल्दी से मुझे ये बताइए कि किस राज्य में बालिका पंचायत शुरू की गई। तो बालिका पंचायत नाम से ही पता चल रहा है कि ये लड़कियों की जो है ये पंचायत है, ठीक है, ताकि लड़कियां जो है बचपन से ही, शुरुआत से ही क्या है पॉलिटिक्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, इसलिए आपका क्या है ये बालिका पंचायत लॉन्च किया गया। ये आपका कहां पर, वेरी गुड फरहीन सम्राट, यस मानसी बिल्कुल ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है आपका, अंजलि बिल्कुल ठीक है, करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन ए गुजरात। सो गुजरात के कच्छ जिले में जो है इसके कुछ विलेजेस में, ठीक है, क्या है ये बालिका पंचायत आपकी शुरू की गई है, ठीक है, और ये बालिका पंचायत लगभग 11 से आपकी 12 से जो है 21 साल की लड़कियां जो है इस पंचायत को जो है चला रही है। और बात की जाए इसकी सरपंच की, तो इसकी सरपंच कौन है, इसकी सरपंच है उर्मी आहिर है, ठीक है, उर्मी आहिर है, ये 20 साल की है, ठीक है। तो ये बालिका पंचायत चलाई जा रही है और ये किसके तहत, ये आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत क्या है
आपका ये बालिका पंचायत भारत का पहला बालिका पंचायत कहाँ पर? गुजरात के कच्छ जिले में के कुछ गांव में जो है इस पंचायत को लॉन्च किया गया है, तो सही जवाब है आपका गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बांस में रहने वाले चमगादड़ की प्रजाति कहाँ पाई गई है? देखो नई प्रजाति पाई गई बैट की, इसमें से एक आपके राज्य में कहाँ पर? सिक्किम, मणिपुर, असम या फिर मेघालय? चलिए जल्दी से मुझे आंसर करेंगे। हाँ जी, प्रशांत ने क्या लिखा है? बी मणिपुर, मेघालय, सम्राट, सृष्टि। वेरी गुड अंजलि, संगीता, यस करेक्ट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन डी मेघालय। सो मेघालय के आपके रीभोई डिस्ट्रिक्ट में जो है, रीभोई डिस्ट्रिक्ट में आपके क्या है ये बैट की नई स्पीशीज पाई गई, इसका नाम क्या है? इसका नाम हमने क्लास में पढ़ा था, इसका नाम क्या है? ग्लिस्क्रोपस मेघालेनस, मेघालेनस, ठीक है, मेघालयनस ये नाम है इस बैट स्पीशीज का। और ये जो बैट की स्पीशीज है ये क्या है? थिक थम्ब है, यानी कि जो इसके थम्ब्स हैं वो बहुत मोटे होते हैं, बहुत नहीं मतलब मोटे होते हैं नॉर्मल बैट्स के कंपैरिजन में। और इन्हीं की वजह से क्या है ये बैम्बूज पर चढ़ पाती हैं। बैम्बूज बहुत स्लिपरी होते हैं आपके, लेकिन अपने थिक थम्ब्स की वजह से ये बैम्बूज पर रह पाती है ये बैट्स। तो ये बैट्स की नई स्पीशीज है ग्लिस्क्रोपस मेघालयनस, जो कि मेघालय के रीभोई डिस्ट्रिक्ट में पाई गई है। ये सारा रिपोर्ट किया गया है किसके द्वारा? ZSI के द्वारा, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। ZSI की बात करें तो ZSI कब आया है, कब बना है? 1916 में आया है। और इसकी डायरेक्टर कौन है? इसकी डायरेक्टर फीमेल है, वुमेन है, वुमेन डायरेक्टर है, क्या नाम है? धृति बैनर्जी है, ठीक है, धृति बैनर्जी है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी मेघालय। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अभी हाल ही में 44th चेस ओलंपियाड का हिस्टोरिक ऐतिहासिक मशाल रिले का उद्घाटन जो है किसने किया? किसने किया का उद्घाटन किसने किया? चलिए बताइए किसने किया? नरेंद्र मोदी, अनुराग ठाकुर, अमित शाह या फिर राजनाथ सिंह? देखो 44th चेस ओलंपियाड की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आपका पहली बार जो है भारत में होने वाला है, ठीक है, भारत में जो है ये फर्स्ट टाइम होने वाला है। ये एशिया में ऑर्गेनाइज कराया जाता रहा है 1927 से, ठीक है, पहली बार ये भारत में होने वाला है। और इसमें क्या है, अभी मशाल रिले जो है उसका उद्घाटन किया गया नरेंद्र मोदी के द्वारा। यस, तो बिल्कुल ठीक लिखा है आप सब लोगों ने, करेक्ट आंसर क्या है? बिल्कुल, बहुत अच्छे प्रदीप, सन्नी, संतक, अंजलि, मोनू, यस करेक्ट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी के द्वारा क्या है इस ऐतिहासिक मशाल रिले का उद्घाटन किया गया। ये किया गया कहां पर? इंदिरा गांधी स्टेडियम, इंदिरा गांधी स्टेडियम न्यू दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया। और ये जो आपका चेस ओलंपियाड है ये आपका कब से शुरू हो रहा है? ये आपका 28 जुलाई से जो है शुरू होने वाला है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु टॉप्ड इन टर्म्स ऑफ टोटल रिन्यूएबल एनर्जी एडिशन, कुल नवीनकरण ऊर्जा क्षमता वृद्धि के मामले में कौन शीर्ष पर रहा है? जल्दी से देखो, अभी हाल ही में ये रिपोर्ट जारी की गई जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी एडिशन के बारे में बताया गया कि किस नेशन ने जो है कितनी रिन्यूएबल एनर्जी टोटल अपने उसमें अपने नेशन में ऐड की है। यानी कि हम पढ़ते रहते हैं अलग अलग जगह अलग अलग प्रोजेक्ट्स आपके लगाए जाते हैं, हम पढ़ते हैं इतनी मेगावाट की कैपेसिटी है, इतनी गीगावाट की कैपेसिटी है। तो यानी कि वो सारा कुछ भी आप प्रोजेक्ट लगाते जाओगे तो वो टोटल आपका ऐड होता चला जा रहा है, वो रिन्यूएबल एनर्जी आपकी टोटल बढ़ती जा रही है। तो ये जो टोटल कैपेसिटी है वो मापी गई, उसको रैंक किया गया, उसको देखा गया कि कौन से नेशन में कितनी है। सो उस इंडेक्स में ये रिपोर्ट जारी की गई और इसमें टॉप किसने किया है? वेरी गुड संतक, अंकित, यस, तो सही जवाब क्या है इसमें आपका? टॉप किसने किया है इसमें आपका? टॉप किया है चाइना ने, ठीक है, चाइना आपका टॉप पर है। सेकंड पर है आपका यूएस और आपका इंडिया है थर्ड पोजिशन पर, ठीक है। सो चाइना, इंडिया और आपका चाइना सही जवाब है। चाइना आपका टॉप पर रहा है, सेकंड पर है आपका यूएस और थर्ड पर है आपका इंडिया, ठीक है। इंडिया की अगर हम लोग बात करते हैं तो इंडिया ने कितनी अपने उसमें जो है रिन्यूएबल एनर्जी ऐड की है? 15.4 गीगावाट्स।
टोटल कैपेसिटी जो है इतनी जो है ऐड की गई है। ये आपका किसके द्वारा जारी किया गया है? रेन 21 के द्वारा आपका ये इंडेक्स जारी किया गया है। ये क्या है आपका? ये पेरिस फ्रांस बेस्ड आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ये सॉरी नेटवर्क है आपका, ये एक रिन्यूएबल एनर्जी नेटवर्क पॉलिसी फॉर द 21st सेंचुरी ग्रुप है आपका, इसके द्वारा ये आपका रिपोर्ट जारी किया गया है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन डी, इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, विच एयरपोर्ट हैज बीन कंसिडर्ड द बेस्ट इन इंडिया एंड साउथ एशिया। चलिए भाई, ये क्वेश्चन सीधा सीधा कहाँ से पूछा गया है? ये आपका जो अभी आपके स्काई ट्रैक्स अवार्ड्स हुए हैं है ना, ये हमने पढ़ा हुआ है क्लास में, ठीक है। उसमें क्या है आपके एयरपोर्ट्स को रैंक किया गया है, 500 के आसपास आपके एयरपोर्ट्स थे। आपसे ये पूछा है कि इंडिया और साउथ एशिया में जो है कौन सा एयरपोर्ट टॉप पर रहा। ओवरऑल बात की जाए तो ओवरऑल आपका हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है दोहा में जो है आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने जो है टॉप किया है, ठीक है। इंडिया और साउथ एशिया में किसने टॉप किया है? बहुत पिटेंगे जो बेंगलुरु लिख रहे हैं, मेरे क्लास में भी डिफरेंस बताया हुआ है। करेक्ट आंसर क्या है आपका? दिल्ली। दिल्ली आपका करेक्ट आंसर है बेटा। दिल्ली का जो आपका आईजीआई एयरपोर्ट है उसने इंडिया और साउथ एशिया में टॉप किया है, ठीक है। बेस्ट इन इंडिया एंड साउथ एशिया, अगर पूछा रहा है बेस्ट रीजनल इन इंडिया एंड साउथ एशिया, बेस्ट रीजनल एयरपोर्ट अगर पूछा जाए तो आपका आंसर होगा बेंगलुरु का केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। बेस्ट रीजनल की कैटेगरी में है आपका बेंगलुरु, और ओवरऑल अगर बेस्ट एयरपोर्ट की बात करें इंडिया और साउथ एशिया में तो वो है दिल्ली, और उससे भी ओवरऑल द ग्लोब अगर हम लोग देखें तो कौन सा आपका टॉप पर रहा है इसके अकॉर्डिंग? हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। तो क्या ध्यान रखेंगे आप? ये तीन एयरपोर्ट ध्यान रखेंगे, हमद ने ग्लोबली टॉप किया है, दिल्ली एयरपोर्ट ने इंडिया और साउथ एशिया में, और बेंगलुरु आपका बेस्ट रीजनल एयरपोर्ट रहा है, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है? दिल्ली एयरपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, अभी इंडिया ने कॉर्पैट एक्सरसाइज किस नेशन के साथ की है, ठीक है। इंडिया ने कॉर्पैट एक्सरसाइज जो है किस नेशन के साथ की है? ये 38th एडिशन हुआ है कॉर्पैट एक्सरसाइज का इंडिया और किस नेशन के बीच में, इंडिया और कौन से नेशन के बीच में। देखो कॉर्पैट एक्सरसाइज मैंने आपको क्लास में भी बताया था कि कॉर्पैट एक्सरसाइज इंडिया कई सारे नेशंस के साथ करता है, आपका कतर हो गया, यूएई हो गया, सिंगापुर हो गया, इन सब नेशंस के साथ करता है। और कॉर्पैट जो आपकी एक्सरसाइज है, ठीक है, वो साल में 2 बार की जाती है। अभी हाल ही में थाईलैंड, यूएसए, मलेशिया या फिर इंडोनेशिया, किसके साथ की गई है? डी, इंडोनेशिया। यस, ठीक है। तो सही जवाब क्या है आपका? ऑप्शन डी, इंडोनेशिया। तो इंडिया और इंडोनेशिया के बीच अभी हाल ही में क्या है, ये आपकी कॉर्पैट एक्सरसाइज हुई है, ठीक है। और ये आपकी कहां पर हुई है? अंडमान सी, और ये कहां हुई है आपकी? अंडमान सी एंड स्ट्रेट्स ऑफ मलक्का, अंडमान सागर एंड स्ट्रेट्स ऑफ मलक्का में जो है आपकी एक्सरसाइज हुई है, ठीक है। और बात की जाए इसका जो 37th एडिशन था वो आपका नवंबर 2021 में हुआ था, वो आपका इंडियन ओशन में हुआ था, ठीक है। तो इंडिया की नेवी और इंडोनेशियन नेवी ने मिलकर इस कॉर्पैट एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया, और अभी हाल ही में इंडिया और इंडोनेशिया का कौन सा 38th एडिशन जो है वो जून महीने में कंक्लूड हुआ। तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी, इंडोनेशिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल पीस इंडेक्स में किस नेशन ने टॉप किया है? चलिए भाई फिर से एक इंडेक्स आ गया आपका, कई सारे इंडेक्स आपके जून मंथ में रिलीज किए गए हैं, जल्दी से मुझे बताओ कि ग्लोबल पीस इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? डेनमार्क, आइसलैंड, स्वीडन या फिर स्विट्जरलैंड? फटाफट से यस प्रशांत, बिल्कुल ठीक है जी, हाँ तपन ने क्या लिखा है? आइसलैंड। अब प्रशांत ने भी लिखा है आइसलैंड। चलिए तो करेक्ट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन बी, आइसलैंड ने जो है ग्लोबल पीस इंडेक्स में टॉप किया है, ठीक है। सेकंड नंबर पर आपका कौन सा नेशन है, जल्दी से बताइए, सेकंड पर आपका कौन सा नेशन है? सेकंड पर है आपका न्यूजीलैंड, ठीक है, और थर्ड पर है आपका आयरलैंड,
ठीक है, इंडिया की बात की जाए इस इंडेक्स में तो इंडिया की रैंक कितनी है? इंडिया की रैंक है 135th, 135th रैंक है भारत की। और ये इंडेक्स आपका IEP के द्वारा, इंस्टीट्यूशन फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा आपका क्या है, जारी किया गया है। और इसमें ग्लोबल पीस इंडेक्स में टॉप किसने किया है? सबसे ज्यादा पीसफुल कंट्री आपकी कौन सी रही है? आइसलैंड रही है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। करेक्ट आंसर क्या हुआ आपका? ऑप्शन बी, आइसलैंड। चलिए भाई, वर्ल्ड योगा डे कब मनाया जाता है? बहुत ही आसान है, ये तो बच्चे बच्चे को पता है। वर्ल्ड योगा डे कब मनाया जाता है? चलिए, फर्स्ट एडिशन कब मनाया गया था ये भी आप लोग मुझे बताएंगे। जी बिल्कुल ठीक है सीमा, इंडिया की रैंक कितनी है? 135th ग्लोबल पीस इंडेक्स में। और टॉप किसने किया है? आपका आइसलैंड ने किया है। चलिए, यस सनी, बिल्कुल ठीक है। जी हाँ, तो सही जवाब क्या है? यस सम्राट, बिल्कुल ठीक है। 2015 को आपका पहला एडिशन मनाया गया और आपका जो डे है योगा डे वो 21 जून को मनाया जाता है। इस साल जो मनाया गया वो आपका 8वां एडिशन मनाया गया। चलिए, लगे हाथ मुझे इसकी थीम भी बता दो, लगे हाथ मुझे इसकी थीम भी बता दो। इस साल जो आपकी थीम है वो क्या रही है योगा डे की? चलो जल्दी से थीम बताओ। यस, 21 जून को योगा डे आता है, बिल्कुल ठीक है। और इसकी थीम जल्दी से मुझे आप लोग बता रहे हैं। वेरी गुड सीमा, योगा फॉर ह्यूमैनिटी जो है आपकी इस साल की थीम रही है, योगा फॉर ह्यूमैनिटी। ठीक है, और लास्ट ईयर की थीम थी योगा फॉर वेलबींग, इस साल की है योगा फॉर ह्यूमैनिटी। तो आपका योगा डे जो है 21 जून को मनाया गया और इस साल जो है आपका 8वां एडिशन, 8th एडिशन जो है मनाया गया। और सबसे पहली बार जो है कब मनाया गया था? 2015 में। ठीक है, जो फर्स्ट एडिशन हुआ था वो 2015 के 21 जून को हुआ था। चलिए आगे आते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर फिश जो है वो कहाँ पाई गई? थाईलैंड, मलेशिया, बांग्लादेश या फिर कंबोडिया? चलिए जल्दी से बताइए कहाँ पर पाई गई, ये आप लोग मुझे बता रहे हैं। इस फिश का नाम क्या था? इस फिश का नाम रखा गया बोरामी। ठीक है, ये फिश आपकी कहाँ पाई गई? इसकी वेट, इसका वेट था लगभग 300 किलो का। ठीक है, इससे पहले हमने पढ़ा था कि थाईलैंड में जो है आपका, थाईलैंड में भी एक कैट फिश पाई गई थी, वो कितने, वो कब पाई गई थी? 2005 में। ठीक है, और उसका वेट कितना था? 293 kg की ये कैट फिश थी। तो अब तक का सबसे सबसे बड़ी फिश का जो रिकॉर्ड था वो थाईलैंड के पास था। अभी रिसेंटली एक और मछली जो है पाई गई है, खोजी गई है, सबसे बड़ी, जिसे बताया जा रहा है कि वो सबसे बड़ी फ्रेश वाटर फिश है अभी तक की, क्योंकि उसका वेट कितना है? 300 kg, और उसका नाम बुरामी रखा गया है। कहाँ पर पाई गई है? यस प्रशांत, मनीषा, दीपिका, अंजलि, जी हाँ, करेक्ट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन डी, कंबोडिया। तो ये फिश आपकी कहाँ पर पाई गई है? कंबोडिया में पाई गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विद सिटी इन द कंट्री बिकेम द फर्स्ट टू गेट अ प्रोसेस्ड स्टील स्लैग रोड। चलिए, बेसिक क्वेश्चन है, आप सबने पढ़ लिया है कि प्रोसेस्ड स्टील स्लैग रोड बनाने वाला पहला देश का शहर, देश का पहला शहर कौन सा बना है? हैदराबाद, कोलकाता, सूरत या फिर जयपुर? तो देखो, ये जो आपका प्रोसेस स्टील स्लैग होता है ना, जो आपका इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट से बनाया जाता है ना, उससे एक रोड तैयार किया गया है। ठीक, आपसे ये पूछा है कहां पर? सूरत, जी हाँ, करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, सूरत। ठीक है, तो सूरत में जो है आपका ये रोड जो है वो बनाया गया है। कितने, 1 किलोमीटर का आपका ये पूरा रोड है। और इसे बनाने में देखो, क्योंकि इसमें प्रोसेस्ड स्टील स्लैग का इस्तेमाल किया गया है, अलग तरीके से जो है ये रोड आपका बनाया गया है, तो इसमें 30% कम कॉस्ट जो है वो जो है लगी है इस रोड को बनाने में। और ये कहाँ पर बनाया गया है आपका? सूरत में। अगला सवाल, इंडिया की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू UN कौन बनाई गई है? संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? शांति सेठी, रुद्रा कंबोज, आरती प्रभाकर या फिर नन? किसे बनाया गया है इंडिया का परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूनाइटेड नेशंस? हाँ जी, जी हाँ सम्राट, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक लिखा है सन्नी। सरानिया ने बिल्कुल करेक्ट लिखा है, वेरी गुड सन्नी।
करेक्ट आंसर क्या हुआ आपका? ऑप्शन बी रुचिरा कंबोज. ठीक है, रुचिरा कंबोज जो कि आपके एक आईएफएस ऑफिसर हैं 1987 बैच की, ठीक है, उन्हें क्या है इंडिया का परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया है टू यूएन. ठीक है, ये किसे रिप्लेस कर रही है? टीएस त्रिमूर्ति को ये रिप्लेस कर रही है. ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हुआ आपका? रुचिरा कंबोज. रुचिरा कंबोज जो है इंडिया की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बन रही हैं, बन गई हैं. ठीक है, करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी रुचिरा कंबोज. अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में 36 स्टेट या फिर यूटी कौन बना है जिसने वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम को लागू किया है ना. देखो, वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम आपकी 2019 में लाई गई थी एज अ पायलट प्रोजेक्ट. सिर्फ देखा जा रहा था, इसे टेस्ट किया जा रहा था और चार राज्यों में जो है इसे लॉन्च किया गया था. अब उसके बाद क्या है, ये आपकी क्या है लास्ट और आपका 36 स्टेट बना है इसमें से एक जिसने क्या है इस स्कीम को इंप्लीमेंट किया है. हमने पढ़ा हुआ है ये स्कीम क्या होती है. जी हाँ, 100 क्वेश्चंस बस खत्म होने ही वाले हैं. ठीक है, थोड़े से क्वेश्चंस और बचे हैं, आज हमारी स्पीड ठीक है. जी हाँ, करेक्ट आंसर क्या है दीपिका? बिल्कुल ठीक लिखा है, ऑप्शन ए असम. तो असम जो है अभी हाल ही में आपका 36वां राज्य बना है जिसने ये स्कीम को इंप्लीमेंट किया है. करेक्ट आंसर क्या हुआ आपका? ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन ए असम. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिस्मोलॉजी ऑब्जर्वेटरी उधमपुर में किसने इनॉग्रेट की? हाल ही में उधमपुर में भूकंप विज्ञान वेधशाला का उद्घाटन किसने किया है? अभी हाल ही में सिस्मोलॉजी ऑब्जर्वेटरी जो है उधमपुर में इसका इनॉग्रेशन किया गया. ठीक है, ये इस तरीके की तीसरी ऑब्जर्वेटरी है जिसमें से जो आपकी कहाँ पर, जो आपकी जम्मू कश्मीर में. ठीक है, जम्मू कश्मीर के उधमपुर में. ठीक है, उधमपुर में की गई, उधमपुर आपका जम्मू कश्मीर में आता है. आपसे पूछा है कि किसने किया है. ठीक है, ये इस तरीके की जम्मू कश्मीर में तीसरी ऑब्जर्वेटरी है और टोटल इंडिया के पास इसके बाद 153 इस तरीके के सेंटर्स हो गए हैं. आपसे ये पूछा है कि किसने किया है? राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी, जितेंद्र सिंह या फिर नारायण राणे. बिल्कुल ठीक है, करेक्ट आंसर क्या है आपका? ऐसे याद करोगे, ये जो है आपका तीसरा इस तरीके का सेंटर है जो कि किस मंत्रालय ने मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के द्वारा जो है लगाया गया है. ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस की बात करते हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के मिनिस्टर कौन है? जितेंद्र सिंह है. इन्होंने ही क्या है इसका इनॉग्रेशन किया है, इस भूकंप विज्ञान वेधशाला का उद्घाटन किया है. कहां पर? उधमपुर में. उधमपुर कहां है? जम्मू कश्मीर में. ठीक है, इजी. गुड इवनिंग वीके मौर्य. चलिए अगले सवाल पर आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, पहली भारत गौरव टूरिज्म ट्रेन. फाइनली पहली भारत गौरव टूरिज्म ट्रेन को भी रवाना कर दिया गया जून के महीने में. ये भी इंपॉर्टेंट है, जल्दी से बताइए कहाँ से किया गया? अयोध्या, कोयम्बतूर, दिल्ली या फिर जयपुर. देखो, पहली भारत गौरव टूरिज्म ट्रेन ये किसके द्वारा लाया गया है आपका? ये IRCTC के द्वारा है ना. इसकी बात की जाए IRCTC की तो इसके हेडक्वार्टर, सॉरी इसकी स्थापना हुई 1999 में और इसके हेडक्वार्टर्स मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है. ठीक है, ये भारत गौरव टूरिज्म ट्रेन 18 दिन के रामायण टूर पर गई है. 18 दिन के रामायण टूर पर गई है. रामायण से जुड़े जो भी आपके इंपॉर्टेंट जगहें हैं वहां वहां ये ट्रेन जो है यात्रियों को लेकर जाएगी. ठीक है, और इसके साथ साथ ये आपके जनकी टेम्पल जो आपका जनकपुर में है नेपाल में, वहां पर भी होकर जो है ये जाएगी. ठीक है, आपसे ये पूछा है, नहीं दिल्ली है, कोयम्बतूर से आपकी वो पहली प्राइवेट ट्रेन निकली है. ठीक है, आपसे पूछा ये जो रामायण वाली ट्रेन है आपकी वो दिल्ली से रवाना हुई है. ठीक है, जो कि आपके कहां से, जनक टेम्पल से भी होकर आएगी नेपाल में जो है आपका. तो आपका सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी दिल्ली. ठीक है, दिल्ली से निकली है ये. दिल्ली से कब रवाना हुई है? 21 जून को जो है ये रवाना हुई है. ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे. और जो आपकी पहली प्राइवेट ट्रेन निकली है ना, वो आपकी निकली है जो कि आपकी शिरडी की तरफ जो टूरिस्ट को लेकर गई है वो आपकी कोयम्बतूर से निकली है. और जो आपकी रामायण टूर के लिए निकली है वो आपकी दिल्ली से निकली है भाई. ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना. तो आपका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी दिल्ली. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. चलिए, अभी हाल ही में लीजा स्थलेकर जो है पहली वुमेन प्रेसिडेंट बनी, इसमें से किसकी? WTO, ZSI, SEBI, FICA. चलिए जल्दी से बताइए.
हाँ जी, यस, करेक्ट आंसर क्या है आपका? फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन, फीका की जो है पहली विमेन प्रेसिडेंट बनी है कौन? लीजा स्थलेकर बनी है। फीका की स्थापना 1998 में हुई है, ठीक है। डब्ल्यूटीओ की स्थापना 1995 में हुई है। डब्ल्यूटीओ के हमने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ लिए हैं, है ना। डब्ल्यूटीओ की के डायरेक्टर जनरल कौन है, इसके मुख्य, इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? ZSI भी हमने पढ़ लिया, इसकी स्थापना 1916 में हुई है। और सेबी की बात की जाए तो सेबी की आपकी चेयरपर्सन कौन है? माधवी पुरी बुच है, ठीक है। ये भी क्या है, माधवी पुरी बुच भी क्या है, सेबी की पहली फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये आपका करंट में नहीं है लेकिन कुछ महीने पहले का है, तो आपको पता होना चाहिए कि सेबी की भी कौन है आपकी, माधवी पुरी बुच है, ये भी पहली वुमेन चेयरपर्सन है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या है, लीजा स्थलेकर आपकी कहाँ की बनी है भाई? आपकी फीका की बनी है, ठीक है। तो ऑप्शन डी, फीका इज द करेक्ट आंसर। ZSI की कौन है? धृति बनर्जी है। WTO की कौन है? वो कौन जो इवियादा है। चलिए आगे आते हैं। ज्योतिर्गमय फेस्टिवल का उद्घाटन किसने किया है? नरेंद्र मोदी, जी किशन रेड्डी, मुख्तार अब्बास नकवी या फिर अमित शाह? चलिए जल्दी से बताइए मुझे, कहां पर जो है इस फेस्टिवल का, किसके द्वारा जो है इसका इनॉग्रेशन किया गया है, किसके द्वारा किया गया है? नरेंद्र मोदी, जी किशन रेड्डी, मुख्तार अब्बास नकवी या फिर अमित शाह? जी किशन रेड्डी। सृष्टि ने एक गलत कर दिया है। करेक्ट आंसर क्या है? जी किशन रेड्डी। तो हमारे कल्चर और टूरिज्म मिनिस्टर हैं, ठीक है, उनके द्वारा ये ज्योतिर्गमय फेस्टिवल का इनॉग्रेशन किया गया। कहाँ किया गया भाई? न्यू दिल्ली में किया गया, ठीक है। कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया, ठीक है। ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और साहित्य अकेडमी के द्वारा जो है ऑर्गेनाइज करवाया गया ये फेस्टिवल आपका, ठीक है। और ये फेस्टिवल आपका वर्ल्ड म्यूजिक डे के उपलक्ष्य में जो है ऑर्गेनाइज करवाया गया। वर्ल्ड म्यूजिक डे आपका कब आता है? 21 जून को आता है, ठीक है। वर्ल्ड म्यूजिक डे की थीम की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसकी थीम क्या है? म्यूजिक ऑन द इंटरसेक्शन, म्यूजिक ऑन द इंटरसेक्शन, ठीक है। तो 21 जून को इसका इनॉग्रेशन करवाया गया, ये आपका 21 से 25 जून तक जो है आपका ये फेस्टिवल चला। ज्योतिर्गमय फेस्टिवल कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया। वेन्यू पूछा रहा है तो आपका नई दिल्ली, ठीक है। चलिए भाई अब मजा आएगा तुम लोगों के स्कोर देखने में, तुम सबका कुछ ना कुछ गलत हुआ है। चलिए सही जवाब क्या है आपका? जी किशन रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चलो भाई कुछ ही क्वेश्चन बचे हैं फाइनली। विच कंट्रीज विमेन्स टीम हैज वॉन द अंडर 17 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप? तो देखो अभी हाल ही में आपकी अंडर 17 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप कहाँ हुई है? ये हुई है आपकी बिश्केक किर्गिस्तान में हुई है, ठीक है। कहाँ हुई है? बिश्केक किर्गिस्तान में हुई है। आपसे ये पूछा है कि ये इसमें कौन सी टीम जो है जीती है, साउथ अफ्रीका, इंडिया, इंग्लैंड या फिर जर्मनी? नंबर वन पर कौन है, नंबर टू पर कौन है, नंबर थ्री पर कौन है? जल्दी से। यस प्रशांत, बिल्कुल ठीक लिखा है। क्या लिखा है? इंडिया। सीमा, दीपक, नीरज, जी हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर है। टॉप पर रहा है आपका इंडिया, सेकंड पर है आपका जापान और थर्ड पर है आपका मंगोलिया, ठीक है। इंडिया ने कितने 8 गोल्ड मेडल्स जीते हैं, 1 सिल्वर मेडल और एक आपका क्या जीता है, ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो अंडर 17 एशिया रेसलिंग चैंपियनशिप जो आपकी बिश्केक किर्गिस्तान में हुई, उसमें कौन सा नेशन जीता है आपका? भारत। तो आपका सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए इंडिया, ठीक है, ऑप्शन ए इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुफजुल लेक आपका, ओके सो हुफजुल लेक को जो है अभी हाल ही में यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया है। आपसे ये पूछा है कि हुफजुल लेक जो है आपका किस नेशन में आता है, ठीक है। हुफजुल लेक की बात की जाए तो ये आपका 262 मीटर गहरा है,
ठीक है, और 132 किलोमीटर जो है ये आपका लंबा है ये लेक। ठीक है, आपसे ये पूछा है कि ये लेक कहाँ आता है, जिसे भी हाल ही में यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स में शामिल किया गया है। ठीक है, इसे अभी हाल ही में शामिल किया गया है वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में। बिल्कुल ठीक लिखा है, करेक्ट आंसर क्या है, मंगोलिया। सो ये कुज़गुल लेक आपका कौन से नेशन का है, मंगोलिया में आता है, और ये मंगोलिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है बाय वॉल्यूम, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है बाय वॉल्यूम अगर बात करते हैं तो ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, और अगर बाय एरिया, अगर एरिया वाइज बात करते हैं तो सेकेंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन बी मंगोलिया। मंगोलिया का आपका एक खूबसूरत लेक है जिसे यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में अभी हाल ही में शामिल किया गया है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन आपका मंगोलिया। ठीक है, यूनेस्को की बात की जाए तो यूनेस्को के आपके हेड कौन है, यूनेस्को के हेड कौन है, ऑड्रे अजौले है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन बी मंगोलिया। चलिए आगे आते हैं, अंबुबाची मेला बताइए, अंबुबाची मेला अभी हुआ है आपका किस राज्य में हुआ है अंबुबाची मेला। चलिए, कामाख्या टेम्पल कहाँ आता है, पिटाई होगी तुम लोगों की अगर तुम्हारे बहुत कम नंबर हो गए ना तो देखना। यस पिकाचू। चलिए भाई बताइए, अंबुबाची मेला जो है आपका कहाँ हुआ है, कामाख्या टेम्पल से जुड़ा हुआ है ये, कामाख्या टेम्पल कहाँ है, असम में है। यस जी हाँ, बिल्कुल ठीक है, करेक्ट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन डी असम। तो आपका अंबुबाची मेला जो है कहाँ हुआ है, असम में हुआ है, असम के कामाख्या टेम्पल में जो है इसका आयोजन करवाया जाता है। क्यों करवाया जाता है, बेसिकली जो देवी कामाख्या है उनकी पूजा की जाती है। ये माना जाता है कि जो देवी कामाख्या है उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो शुरू होती है। ठीक है, उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होती है मानसून के टाइम पे, और यूजुअली आपका इसी टाइम जून के दौरान ही आपका अंबुबाची मेला सेलिब्रेट किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है। अंबुबाची मेला आपका 2 साल बाद इस साल सेलिब्रेट किया गया, और कहां पर, असम में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल गोल्ड रिसाइकलिंग में भारत की रैंक, चलिए भारत की रैंक पूछी गई है ग्लोबल गोल्ड रिसाइकलिंग में, जल्दी से बताएंगे आप लोग मुझे। जल्दी से मुझे आंसर कर रहे हैं, आपसे पूछा है कि इसमें किसने टॉप किया है। चलिए, करेक्ट आंसर क्या है, ये टू और फोर्थ में जो कंफ्यूज हो रहे हैं, करेक्ट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन डी फोर्थ। नंबर वन पे बात की जाए तो नंबर वन पर है आपका चाइना, नंबर टू पर है आपका इटली, और नंबर थ्री पर है आपका यूएसए, और नंबर फोर्थ पर है आपका इंडिया। तो इंडिया की रैंक क्या है ग्लोबल गोल्ड रिसाइकलिंग में, फोर्थ रैंक है, और ये आपका किसके द्वारा इंडेक्स ये जारी किया गया, ये रिपोर्ट किसके द्वारा, वर्ल्ड ग्रुप काउंसिल के द्वारा जो है आपकी ये रिपोर्ट जारी की गई है। ठीक है, वर्ल्ड ग्रुप काउंसिल के द्वारा जो है आपकी रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें इंडिया की रैंक कितनी है, इंडिया की रैंक है फोर्थ, और फर्स्ट पर है आपका चाइना, सेकंड पर है इटली, थर्ड पर है आपका यूएस। ठीक है, वर्ल्ड ग्रुप काउंसिल की बात करते हैं तो इसके प्रेसिडेंट कौन है, इसके प्रेसिडेंट है केविन दुशिंस्की। केविन दुशिंस्की जो है इसके प्रेसिडेंट है, इसकी स्थापना 1958 में हुई है, और आपका करेक्ट आंसर क्या है, इंडिया की रैंक कितनी रही आपकी, फोर्थ रैंक रही है। ठीक है, इंडिया ने कितना, 75 टन्स ऑफ गोल्ड जो है वो रिसाइकल किया है। यूएसए की बात की जाए तो यूएसए ने 78 टन्स, इटली ने 80, और चाइना ने 160 टन्स ऑफ गोल्ड जो है उसे रिसाइकल किया है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन डी फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, निर्यात पोर्टल आपका किसने लॉन्च किया है, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, या फिर निर्मला सीतारमन। निर्यात पोर्टल के साथ साथ आपका
वाणिज्य भवन का भी इनॉग्रेशन किया गया था, 23 जून को वाणिज्य भवन का भी इनॉग्रेशन किया गया था नई दिल्ली में, ठीक है, नई दिल्ली में किया गया था। तो निर्यात पोर्टल क्या है आपका? नेशनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट, नेशनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ईयरली एनालिसिस ऑफ ट्रेड, ईयरली एनालिसिस ऑफ ट्रेड। तो ये निर्यात पोर्टल जो है आपका, बेसिकली जो भी इंडिया से एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो भी किया जाएगा उसका पूरा डिटेल आपका इस पोर्टल पे अवेलेबल हुआ करेगा, ठीक है। ये पोर्टल अभी हाल ही में किसने इनॉग्रेट किया है? वेरी गुड, करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी के द्वारा क्या है इस पोर्टल का और वाणिज्य भवन दोनों का इनॉग्रेशन नई दिल्ली में किया गया। चलिए नेक्स्ट आते हैं। जेंडर रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस वर्कशॉप अभी हाल ही में हुई है, कहाँ हुई है? शिमला, धर्मशाला, हैदराबाद या फिर दिल्ली? तो देखो, जेंडर रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस की बात की जाए तो ये वर्कशॉप आपकी कहाँ हुई है ये आप मुझे बता रहे हैं। इसके चीफ गेस्ट रही यूपी की गवर्नर, यूपी की गवर्नर कौन है? आनंदी बेन पटेल है, आनंदी बेन पटेल हैं। और ये कौन से ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है इसका आयोजन करवाया गया? एनसीडब्ल्यू, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, एनसीडब्ल्यू के द्वारा, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के द्वारा भाई क्या है इसका आयोजन? कमीशन फॉर वुमेन के द्वारा इसका आयोजन जो है वो किया गया, ठीक है। एनसीडब्ल्यू की बात की जाए तो इसकी चेयरपर्सन कौन है? इसकी चेयरपर्सन है रेखा शर्मा है ना। एनसीडब्ल्यू के द्वारा इसका आयोजन किया गया। और बात की जाए इस पूरे वर्कशॉप की तो ये किसके तहत? शी इज अ चेंज मेकर प्रोजेक्ट के तहत इसका आयोजन, शी इज अ चेंज मेकर प्रोजेक्ट के तहत क्या है इस वर्कशॉप का आयोजन करवाया गया? 2 से 3 दिन की आपकी ये वर्कशॉप रही। यस, करेक्ट आंसर क्या है आपका? इसका आयोजन आपका, इस वर्कशॉप का आयोजन कहाँ किया गया? धर्मशाला में किया गया। तो ऑप्शन बी, धर्मशाला आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है, शिमला नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 में आपकी लीस्ट लिवेबल सिटी कौन सी रही? ढाका, दमिश्कस, डोला या फिर एक और ऑप्शन दे देती हूँ, तेहरान। लीस्ट लिवेबल सिटी कौन सी रही? चलो तुम्हारे और नंबर कट होते जा रहे हैं, देख रही हूं मैं। यस, तो करेक्ट आंसर क्या है आपका? लीस्ट लिवेबल सिटी कौन सी रही? अभी आपकी जो रिपोर्ट आई थी उसके हिसाब से लीस्ट रही आपकी ऑप्शन बी, सीरिया की कैपिटल है ना। सीरिया की कैपिटल जो है आपकी, आपकी लीस्ट लिवेबल सिटी रही। और ये इंडेक्स आपका इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा रिलीज किया गया है। दमस्कस जो कि आपकी सीरिया की कैपिटल है वो आपकी लीस्ट लिवेबल सिटी रही, ठीक है। बात की जाए टॉप पर इसमें कौन रहा? टॉप पर रही इसमें आपकी वायना, ठीक है। नंबर वन पर रही आपकी वायना, ऑस्ट्रिया में है, ठीक है। नंबर टू पर रही आपकी कोपेनहेगन, और नंबर थ्री पर आपके दो सिटीज रही, एक रही आपकी ज्यूरिख और दूसरी रही आपकी कैलगरी, ठीक है। तो आपका ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स के मुताबिक लीस्ट लिवेबल रही दमस्कस जो कि आपकी सीरिया की कैपिटल है, और मोस्ट लिवेबल रही आपकी वायना जो कि आपकी ऑस्ट्रिया की है, ठीक है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। अगला सवाल, इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए चीफ कौन बनाए गए बताइए? सुमन बेरी, दिनकर गुप्ता, तपन देका या फिर समंत कुमार गोयल? ये क्वेश्चन अभी हमने कुछ दिन पहले ही किया, जस्ट जल्दी से मुझे बता दो। चलिए जल्दी से बताएंगे, अभी इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए प्रमुख जो है कौन चुने गए हैं? इंटेलिजेंस ब्यूरो की बात करते हैं तो 1887 में इंटेलिजेंस ब्यूरो की स्थापना हुई है, ठीक है। चलिए सुमन बेरी की बात करते हैं तो सुमन बेरी आपके क्या बने हैं भाई? वाइस चेयरपर्सन बने हैं, वाइस चेयरपर्सन बने थे है ना। किसके बने थे? नीति आयोग के बने थे, ठीक है, नीति आयोग के बने थे। अब चलो मुझे जल्दी से ये बता दो कि नीति आयोग के नए सीईओ कौन है जिन्होंने अमिताभ कंत को रिप्लेस किया है, ठीक है। दिनकर गुप्ता की बात करते हैं तो दिनकर गुप्ता आपके कहाँ के? आपके नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के डीजी बने हैं, ठीक है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन के एजेंसी के डीजी बने हैं। यस, करेक्ट आंसर क्या है? तपन देका, ठीक है, तपन
तपन दे का करेक्ट आंसर है, तपन दे का इंटेलिजेंस ब्यूरो के क्या हैं आपके नए चीफ बने हैं, और समंत कुमार गोयल जो कि आपके रॉ के चीफ हैं उन्हें क्या है 1 ईयर एक्सटेंशन जो है दिया गया। ठीक है भाई, ठीक है जी हाँ, परमेश्वरन अय्यर जो है आपके नए सीईओ है नीति आयोग के। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। G7 की मीटिंग अभी हाल ही में कहाँ हुई है? चलिए भाई, G7 के बारे में पूरी हिस्ट्री हमने पूरी पढ़ी थी क्लास में, दोबारा नहीं बताऊंगी। चलिए जी जल्दी से मुझे बताइए, G7 के भी मीटिंग, हम सभी जानते हैं G7 आपका 7 कंट्रीज का ग्रुप है, हर साल प्रेसिडेंसी जो है चेंज होती है, हर साल नया चेयरपर्सन बनता है, ठीक है, मतलब हर साल नया नेशन जो है इस मीटिंग को, ये जो G7 समिट होता है आपका, इसे होस्ट करता है, ठीक है। इंडिया को कई सालों से बुलाया जा रहा है G7 समिट में, इस साल भी इंडिया गया था, ठीक है। कौन सा नेशन है? बिल्कुल सही है, सब जानते हैं कहाँ पर हुआ है ये आपका, ऑप्शन सी जर्मनी। जर्मनी जो है आपका इस साल का होस्ट रहा, ठीक है। जर्मनी के चांसलर जो आपके ओलाफ स्कोल्स हैं, ठीक है, ओलाफ स्कोल्स हैं, उनके द्वारा क्या है, उनके द्वारा इनविटेशन दिया गया, इंडिया अर्जेंटीना आपका साउथ अफ्रीका जैसे नेशंस को इनविटेशन दिया गया, और ये सारे नेशंस भी आपके मौजूद थे इस G7 समिट में। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है? जर्मनी, ठीक है। जर्मनी होस्ट रहा G7 की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1975 में हुई है, 1975 में जब हुई थी तो ये क्या था, तो ये G6 था, तब इसमें कनाडा नहीं था, फिर इसके नेक्स्ट ईयर 1976 में कनाडा शामिल हो गया, तो ये क्या बन गया आपका ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज जो एट प्रेजेंट हम देखते हैं। इसी बीच बीच में रशिया भी आया था, रशिया को 1998 में जो है G7 में शामिल किया गया था, लेकिन जब 2014 में रशिया ने क्रीमिया आइलैंड पे कब्जा किया, जब क्रीमियन क्राइसिस हुई, तो इसे क्या है G7 से बाहर कर दिया गया रशिया को। उसके बाद दोबारा से जो वो G8 हो गया था 1998 में, वो 2014 में रशिया को निकालने के बाद दोबारा से क्या है G7 बन गया, ठीक है। चलिए ये सब आप जानते हैं, तो करेक्ट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन सी जर्मनी। तो जर्मनी जो है आपका इस साल होस्ट रहा। अगला सवाल, PGID परफॉर्मेंस, चलिए भाई, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स फॉर डिस्ट्रिक्ट्स पहली बार अभी हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है ना, ये ग्रेडिंग सिस्टम आपका रहा। आज तुम्हें मैं इसी ग्रेडिंग सिस्टम से ग्रेड्स देने वाली हूँ तुम लोगों के मार्क्स देख के, ठीक है। तो हमने इसमें पढ़ा था, देखो PGID परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स फॉर डिस्ट्रिक्ट, तो इसमें स्कूल्स की जो है स्कूल्स को जो है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के स्कूल्स की को जो है ये परफॉर्मेंस जो है देखी गई कि बेसिकली स्कूल्स ने कैसा परफॉर्म किया है, कैसे हैं स्कूल्स, है ना। तो उसमें जो ग्रेड्स दिए गए उनके नाम थे, जैसे सबसे पहला अगर है, ठीक है, जिसने 90 से ज्यादा स्कोर किया है तो उसे क्या ग्रेड दिया गया, दक्ष दिया गया, ठीक है। नंबर 2 पर है अगर कोई जिसने 80% स्कोर किया है तो उसे क्या दिया गया, उत्कर्ष दिया गया, उत्कर्ष ग्रेड दिया गया, ठीक है। और अगर किसी ने 80 से कम 70 के आसपास किया है तो उसे कितना दिया गया, अति उत्तम दिया गया, ठीक है। तो ये ग्रेड्स के नाम थे, ठीक है, जो कि इस इंडेक्स के तहत जो है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स को दिए गए, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के स्कूल्स को क्या है रैंक किया गया, पॉइंट्स दिए गए, और उसके बेसिस पे आपके अलग अलग डिस्ट्रिक्ट सामने आए। ये इंडेक्स आपका किसके द्वारा जारी किया गया आपका, करेक्ट आंसर क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। वेरी गुड, करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जिसके मंत्री कौन है आपके, धर्मेंद्र प्रधान। सोशल जस्टिस मिनिस्टर कौन है, जितेंद्र सिंह या फिर जितेंद्र कुमार, जल्दी से बताओ। सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री के मिनिस्टर आपके कौन है, जल्दी से मुझे बताएंगे। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन के मिनिस्टर कौन है, अमित शाह। होम अफेयर्स के भी कौन है, अमित शाह, ठीक है। यस पिकाचू, बिल्कुल ठीक लिखा है भाई आपके। राजस्थान के 3 डिस्ट्रिक्ट रहे जो सबसे टॉप पर रहे, एक आपके रहे, एक आपका रहा झुंझुनू, जयपुर और सिकार, ठीक है, ये 3 डिस्ट्रिक्ट आपके सबसे टॉप पर रहे। चलिए जल्दी से बताइए सोशल जस्टिस मिनिस्टर कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, साओ जुआओ उत्सव जो है कहाँ मनाया जाता है, असम, मणिपुर, गोवा या फिर लद्दाख, फटाफट से। वेरी गुड प्रशांत, वीरेंद्र कुमार है, हाँ जी। तो साओ जुआओ फेस्टिवल जो है आपका, यस, तो सोशल जस्टिस मिनिस्टर आपके वीरेंद्र कुमार है, और आपके अर्थ साइंस मिनिस्टर कौन है, वीरेंद्र सिंह है, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना। चलिए सम्राट विक्रम सीमा, बिल्कुल ठीक है,
यस, करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, गोवा. ठीक है, गोवा में जो है आपका ये फेस्टिवल मनाया जाता है. गोवा में एक आपका गांव आता है, ठीक है, जिसका नाम क्या है? सियोलिम, है ना. सियोलिम ये गांव आता है जहां पर साओ जुआ फेस्टिवल जब मनाया जाता है, तो इस गांव में क्या है? एक बोट परेड निकाली जाती है. ठीक है, बोट परेड निकाली जाती है. और ये फेस्टिवल आपका किसे डेडिकेटेड है? ये फेस्टिवल आपका सेंट जॉन को जो है डेडिकेटेड है, जो कि क्या थे? एक बैप्टिस्ट थे, है ना. मैंने आपको बताया था बैप्टिस्ट कौन होते हैं, जो बैप्टिज्म करते हैं. बैप्टिज्म एक क्रिश्चियन रिलीजन में एक प्रैक्टिस होती है, जिसमें जो बेबीज होते हैं उन्हें पवित्र करने के लिए क्या है, पानी में नहलाया जाता है. तो ये बैप्टिस्ट थे. सेंट जॉन को जो है आपका ये साओ जुआ फेस्टिवल डेडिकेटेड है, जो कि हर साल आपका कहाँ पर? गोवा में मनाया जाता है. ठीक है, करेक्ट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन सी, गोवा. इसी के साथ हमने टोटल 100 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए. ठीक है, चलिए, तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, गोवा. चलिए भाई, आज के सेशन में इतने ही क्वेश्चन थे. जिसे भी आज की पीडीएफ चाहिए वो केडी लाइव एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं. फाइनली हमने 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं जून के. तुम भी थक गए हो, मैं भी थक गई हूँ. ठीक है, अब रेस्ट कर लेना. और अब हम लोगों की जो नेक्स्ट क्लास होगी, ठीक है, वो होगी कल. ठीक है, कल हम लोगों की अब नेक्स्ट क्लास होगी 4 बजे, 4 से 5 बजे तक. ठीक है, कल हम लोगों की नेक्स्ट क्लास होगी. अब हम लोग कल मिलेंगे. और तुम लोग नीचे मुझे अपना अपना स्कोर लिख के बताओगे कमेंट सेक्शन में. ठीक है, वहां पर मैं तुम लोगों को ग्रेड्स देने वाली हूँ. ठीक है, चलिए, अब तुम लोग मुझे अपने अपने ग्रेड्स स्कोर जो है नीचे लिख के बताना कमेंट सेक्शन में, फिर देखते हैं. और अब हम लोग कल मिलेंगे. तब तक सभी अपना ख्याल रखेंगे, न्यूज़पेपर पढ़ेंगे. ये हमने रिविजन सेशन आज खत्म कर दिया है जून का. जो भी इंपॉर्टेंट चीजें नहीं, हमने वो कवर करने की कोशिश की. ठीक है, 100 क्वेश्चंस के अंदर अंदर. ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पेपर यहीं से आएगा. इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ यही क्वेश्चंस आपको करने हैं. आपको करंट अफेयर्स को रोज फॉलो करना होता है अगर आप करंट अफेयर्स में स्ट्रांग होना चाहते हैं. अगर आप अच्छी पकड़ बनाना चाहते हो स्ट्रांग अफेयर्स करंट अफेयर्स में, तो आपको रोज न्यूज़पेपर पढ़ना है, मैगजीन पढ़नी है, आपको गवर्नमेंट वेबसाइट्स विजिट करनी होगी, तभी आपका करंट अफेयर्स स्ट्रांग होगा. मंथली सेशन आपका सिर्फ एक रिविजन सेशन होता है, और सिर्फ आपका एक ट्रेलर जैसा होता है कि हाँ भाई इस मंथ में ये चीजें हुई हैं. ठीक है, तो आप अपना ख्याल रखेंगे, कल मिलेंगे. चलिए, टेक केयर, बाय.